आप सभी को पता ही होगा गोरखपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बनाई जाएगी, जो कि दोनों साइड में होगी। फर्स्ट स्टेज में 1200 एकड़ का प्रपोजल प्रिपेयर किया गया है। फाइल वर्क बाकी है, जिसे UPEIDA को सेंड किया जाएगा एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर, तब जाके लैंड खरीदारी की काम शुरू होगी। और तो और काफ़ी सारी न्यू फैक्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं, लाइक HURL, जिससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और गोरखपुर जैसे सिटी में पिपराइज के साइड में शुगर मिल की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जा रही है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी। अगर हम बात करें गोरखपुर की हेल्थ से रिलेटेड, तो गोरखपुर की एम्स बन के तैयार हो चुकी है, जिसकी OPD फरवरी 2019 से ओपन है और अदर्स डिपार्टमेंट की वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात करें हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की, लाइक बिल्डिंग्स, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है। अगर हम बात करें अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग्स की, तो अगर आप BRD मेडिकल कॉलेज के फतेहपुर की साइड आए होंगे तो काफ़ी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिल जाएंगी। ये सब गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए बना रही है, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए। अगर हम बात करें गोरखपुर एयरलाइन कनेक्टिविटी की, तो आप सबको मालूम गोरखपुर का एयरपोर्ट एयरफोर्स एरिया के साइड में है, जो कि कुछ सिटीज़ को ही कनेक्ट कर पाता है। और तो और डे बाय डे एयरलाइंस की यूजेस बढ़ती जा रही हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाली है, जो कि वाराणसी नेशनल हाईवे पे बनाई जाएगी। बात करें इसके एरिया की, तो ये 300 एकड़ में बनेगा। और अगर हम बात करें गोरखपुर रोड कनेक्टिविटी की, आप सबको मालूम होगा गोरखपुर की सड़कें काफ़ी पतली हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से रोडों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। ये वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिंगल लेन को डबल किया जा रहा है और काफ़ी सारे न्यू हाईवेज बनाए जा रही हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी एक न्यू हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि कुशीनगर से गीडा को जाती है और वहाँ से आप लखनऊ और नेपाल बॉर्डर भी जा सकते हैं। पहले हमें पूरी सिटी घूम के जानी पड़ती थी। ट्रैवल की प्रॉब्लम्स को देखते हुए गोरखपुर जैसे सिटीज़ में इंटरनेशनल बस स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसका जो एरिया होगा 500 एकड़ होगा। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, जो कि जैतपुर GKP 2 सलारापुर अहमदाबाद होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। बात करें अगर इसकी लेंथ की, लेंथ होगी 91 किलोमीटर की। अगर बात करें कि एरिया की, तो ये 2650 एकड़ की होगी और इसकी पूरी लागत आएगी 5876 करोड़। और अगर हम बात करें गोरखपुर टूरिज्म प्लेस की, आप सबको पता होगा गोरखपुर की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस नौका विहार है, जो इसे एक अलग लेवल पे ले जाती है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वाटर स्पॉट डेवलपमेंट को भी अलॉट कर दिया गया है, जिसकी पूरी लागत 25 करोड़ की है। बात करें गोरखपुर जू की, तो इसे 200 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से बनाया जा रहा है। इसका पूरा एरिया 121.34 एकड़ की है। इसका मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके देखो, बट इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें अगर हम गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की, जिसकी दो कॉरिडोर होंगी। ये मेट्रो एलिवेटेड और अंडरग्राउंड होंगी, जिसमें 2 कोचेस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही इसे कुछ सालों में कम्प्लीट कर दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 27.41 किलोमीटर होंगी और इसकी पूरी लागत 4800 करोड़ की है। गोरखपुर में लोकल बस की यूजेस देखते हुए कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव किया है 25 इलेक्ट्रिक बसेस। और बात करें इसके चार्जिंग पॉइंट की, तो वो होंगी मुगलहा एंड महसरा की साइड में। बात करें इसके रूट की, तो वो होंगी झुंगिया, काली मंदिर एंड रानी डिया। एंड बात करें अगर इसके सेकेंड रूट की, तो वो होंगी महसरा, धर्मशाला और नौसर। बात करें गोरखपुर स्मार्ट सिटी की, गोरखपुर की डेवलपमेंट के लिए पर ईयर 50 करोड़ अलग से दिया जाएगा,
इसकी हेल्प से गार्बेज डिस्पोजल, सीवर सिस्टम एंड ETC पे वर्क होगा। ऐसे कई सारे वर्क हैं लाइक अंडरग्राउंड वायरिंग की, तो इस पे भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और अगर बात करें गीडा सेक्टर की, तो गीडा में IT इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। Stop me, I'm all the way up.